ये लोग को तो ट्रेनिंग, भाजपा वाला लोग को ट्रेनिंग चल रहा है ना झूठ बोलने का। जदयू वाला बेहायागिरी पर उतरा हुआ है, अब भाजपा वाला जो है सो जिसका खुद मालिक है कितना बड़का झूठा है। जब नीतीश कुमार बोले हुए हैं कि भाजपा का मतलब सबसे बड़का झूठा पार्टी, जिसको आंखें नहीं है, जिसको काने नहीं है, इन लोग को बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा है कि कोरोना जो आया है, ऐसे में मोदी जी 2 साल से लोगों को फ्री में बांट रहे थे, तो महंगाई का थोड़ा बहुत असर जो है वो तो जनता पर पड़ेगा ही। अब जब कहीं महंगाई ही नहीं है, ये बात ही होनी है, तो राजद फिर क्यों कर रही है 18-19 को प्रदर्शन? क्या बोले हम भाई इस पर, महिला हैं वो, उनको तो हमको देखे के गजब लगता है, उनको महिला पर हम क्या टिप्पणी करें। उनको महिला पर तो मेरी महिला प्रवक्ता बयान देती, अगर आप पूछ लिए हैं तो हम बताइए देते हैं एगो बात। ये लोग को तो ट्रेनिंग, भाजपा वाला लोग को ट्रेनिंग चल रहा है ना झूठ बोलने का। जदयू वाला बेहायागिरी पर उतरा हुआ है, अब भाजपा वाला जो है सो जिसका खुद मालिक है कितना बड़का झूठा है। जब नीतीश कुमार बोले हुए हैं कि भाजपा का मतलब सबसे बड़का झूठा पार्टी, तो झूठा पार्टी का आदमी झूठे ना बोलेगा, नहीं दिखाई दे रहा है? पहले माथा पर हाथ पर गैस लेके ऐसे ऐसे करके चला जाता था, आए उस समय गैस का कितना दाम था, अभी पेट्रोल का कितना कीमत है, अभी डीजल का कितना कीमत है, अभी घी का कितना कीमत है, अभी LPG गैस सिलेंडर का कितना कीमत है, क्या बोले हम, किसान का कितना परेशानी है। तो अपने जो है सो की तो कहना क्या है भाई। अब महिला बयान के बारे में पूछे हैं सुमन जी आप, हम महिला पर बयान वान नहीं देते हैं, समझ गए ना, मगर हम तो बहुत कुछ कहते, मगर अब क्या बोले, जिसको आंखें नहीं है, जिसको काने नहीं है, इन लोग को तो, ये लोग तो ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा। इन लोग का उप मुख्यमंत्री हैं जी, ये लोग उप का मतलब अब असली में हो गया, यही लोग जता दिए कि उप का मतलब चुप रहता है, ये लोग तो क्या बोले इस सब के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। Paytm नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।